हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे परंपरागत प्रश्नों में चयन की विधियां, जिनमें नंबर एक समूह चयन, नंबर दो आवर्ती चयन। समूह चयन का अध्ययन कर चुके थे, आवर्ती चयन की बात करेंगे कि आवर्ती चयन में किसी समष्टि में जो ऐच्छिक लक्षण हैं उन सभी को किसी जनसंख्या में एकत्रित करना आवर्ती चयन का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले आवर्ती चयन की बात करेंगे। तो आवर्ती चयन के निम्न प्रकार हैं: सरल आवर्ती चयन, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, व्युत्क्रम चयन। तो हम बात करेंगे जो आरेख आप देख रहे हैं सरल आवर्ती चयन है। सरल आवर्ती चयन का मुख्य उद्देश्य है कि किसी समष्टि में वांछित जीनों व जीन प्रारूप की आवर्ती में वृद्धि करना है। कोई भी समष्टि है उसके अंदर जो वांछित जीन है तथा जीन प्रारूप की आवर्ती में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो आरेख में आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ष में पहले वर्ष में किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। कि कोई समष्टि है उसमें से उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, कई पौधे लिए जाते हैं। उसके बाद में चयनित पौधों में क्या करवाया जाता है, स्व परागण कराया जाता है। तीसरे पद में बीजों का मूल्यांकन करेंगे तथा उत्कृष्ट बीजों का क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। ये प्रथम वर्ष की क्रिया है। उसके बाद में दूसरे वर्ष में आपको इस प्रकार का चिन्ह बताया गया था। यदि इस प्रकार का चिन्ह आए तो किसको बताता है, एकल पादप संतति को बताता है। तो एकल पादप संतति उगाना कि दूसरे वर्ष के अंदर एकल पादप संतति उगाई जाती है तथा सभी संतियों में आपस में क्या करवाया जाता है, संकरण कराया जाता है। कि जो एकल पादप संतति उगाते हैं और उसके बाद में दूसरे वर्ष में ही सभी संतियों में आपस में क्या करवाते हैं, संकरण कराया जाता है। उसके बाद में तीसरे पद होगा, उसके अंदर क्या करते हैं, सभी संकरणों से प्राप्त बीजों के परिमाण को एक साथ क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि दूसरे वर्ष की जो क्रिया होगी उसमें क्या करते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं और उसमें क्या करवाते हैं, संकरण कराते हैं, और उसके बाद में जो बीज होते हैं उनको एक साथ क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो दूसरे वर्ष की क्रिया होगी। उसके बाद में तीसरे वर्ष की यदि बात करें तो तीसरे वर्ष में मिश्रित बीजों को उगाना कि जो मिश्रित बीज हैं उनको क्या करेंगे, उगाएंगे, और उसके साथ ही प्रथम वर्ष की क्रिया को क्या करेंगे, दोहराएंगे। प्रथम वर्ष की क्रिया से मतलब है कि उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का क्या करेंगे, चयन करेंगे, और चयनित पौधों में क्या करवाया जाता है, स्व परागण कराया जाता है, और उसके बाद में बीजों का मूल्यांकन और उत्कृष्ट बीजों का क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। ये एक प्रकार से कौन से वर्ष की क्रिया होगी, तीसरे वर्ष की। और उसके बाद में चतुर्थ वर्ष में क्या होगा, द्वितीय वर्ष की क्रिया को दोहराना। अर्थात द्वितीय वर्ष में आपने क्या किया था, एकल पादप संतति उगाना और सभी संतियों में आपस में क्या करवाया जाता है, संकरण कराया जाता है तथा सभी संकरणों से प्राप्त बीजों के परिमाण को एक साथ मिश्रण कर लिया जाता है। यानी एक प्रकार से दूसरे वर्ष की क्रिया है उसको चतुर्थ वर्ष में क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, और तीसरे वर्ष में जो प्रथम वर्ष की क्रिया है इसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो ये एक प्रकार से सरल आवर्ती चयन विधि, ध्यान रखें, जिसके अंदर प्रथम वर्ष में आप देख रहे हैं कई उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन करेंगे और चयनित पौधों में स्व परागण, उसके बाद में बीजों का मूल्यांकन व उत्कृष्ट बीजों का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। और उसके बाद में दूसरे वर्ष में आप समझ चुके होंगे कि एकल पादप संतियां उगाना तथा सभी संतियों में आपस में क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, ये दूसरे वर्ष की क्रिया है। और उसके बाद में सभी संकरणों से प्राप्त बीजों के परिमाण का एक साथ क्या करना, मिश्रण करना, और इसी के साथ क्या होगा, प्रथम चक्र पूर्ण होगा। तृतीय वर्ष में आप सभी देख रहे हैं कि मिश्रित बीजों को उगाना और प्रथम वर्ष की क्रिया को दोहराना, प्रथम वर्ष की क्रिया से मतलब इन्हीं बिंदुओं को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। और चतुर्थ वर्ष में आप देख रहे हैं कि द्वितीय वर्ष की क्रिया को दोहराना और इसी के साथ कौन सा दूसरा चक्र होगा, यह है सरल आवर्ती चयन का आरेख है। इसी को देख के आप पूरी थ्योरी आप इस साइड की लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।